Hello children, this is Umesh Sendra and I'm going to teach you English grammar. And today the topic is more about verbs. Verbs के बारे में और कुछ अधिक जानकारी लेना. Class 6, lesson number 9, English grammar. And this, the name of the book is Systematic English Grammar. Systematic English Grammar नाम की बुक है जिसका lesson number 9 है और टॉपिक है मोर अबाउट वर्ब्स. बुक चाहे कोई भी हो, हमें तो अपने टॉपिक को देखना है और उस टॉपिक का नाम है मोर अबाउट वर्ब्स. बच्चों, आपको पता है कि बुक्स अलग अलग नाम की हो सकती हैं, अलग अलग राइटर्स की हो सकती हैं, लेकिन सभी राइटर्स टॉपिक वही पढ़ा रहे हैं, कोई अलग नहीं पढ़ा रहे हैं. तो आपको किसी बुक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है. और आज का जो टॉपिक है वो है मोर अबाउट वर्ब्स. वर्ब्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना. आपको बच्चों एक छोटी सी नॉलेज मैं आप को देना चाहता हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस होता है, यानी पार्ट ऑफ टेंस होता है, उसी में यूज़ होती है. बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं नहीं यूज़ होती. और वो पार्ट ऑफ टेंस क्या है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, यानी पास्ट टेंस फॉर्म का यूज़ होता है, बाकी कहीं यूज़ नहीं होता है इसका. तो बात करते हैं, चलते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है. इन डिफरेंट टेंसेस, अलग अलग टेंसेस में वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. हम वर्ब्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वी यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स. सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं वर्ब की. एंड इन द परफेक्ट टेंसेज और परफेक्ट टेंसेज में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं. अब पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, अब इस चार्ट में हम देखते हैं. द थ्री फॉर्म्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स यहाँ दी गई हैं. सबसे पहले रूट फॉर्म. रूट फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड. मोस्ट ऑफ द वर्ब उनके रूट फॉर्म में ईडी लगा दो तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बन जाती हैं. ओके, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये अधिकतर फॉर्म्स में होता है ऐसा. वर्ब्स में ऐसी होता है कि ईडी लगा करके हम सेकंड थर्ड फॉर्म बना देते हैं, लेकिन सभी में संभव नहीं है. कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो स्पेलिंग चेंज हो जाती है और वो अलग ही बन जाती है, यानी उसमें चेंजेज हो जाता है स्पेलिंग्स में, और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वो चेंज हो जाती हैं. अवेक, अवोक, अवोकन. बिल्कुल, आपको इनकी हिंदी यानी मीनिंग भी पता होना चाहिए. जब आपको मीनिंग पता होगा तभी तो आप इसको सही से सही जगह यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ बिना मीनिंग के आपको समझ में नहीं आएगा कि वर्ड क्या कह रहा है. एक्ट मीन्स काम करना. एक्टेड, एक्टेड. अपीयर, दिखाई देना. अपीयर्ड, अपीयर्ड. अवेक, जागना, उठना. अवोक, अवोकन. बिकम, होना. बिकेम, बिकम. बेंड, झुकना. बेंट, बेंट. ब्लो, हवा चलना. ब्ली, ब्लॉन. ब्रिंग, लाना. ब्रॉट, ब्रॉट. बर्न, जलना. बर्नट, बर्नट. केयर, देखभाल करना. केयर्ड, केयर्ड. चेंज, बदलना. चेंज्ड, चेंज्ड. क्राई, चिल्लाना. क्राइड, क्राइड. डांस, डांस करना. नृत्य करना. डांस, डांस. डू, करना. डिड, डन. ड्राइव, गाड़ी चलाना. ड्रॉव, ड्राइवन. फाइंड, पाना, खोजना. फाउंड, फाउंड. हैव, रखना. हैड, हैड. हाइड, छिपाना. हिड, हिडन. लीव, छोड़ना. लेफ्ट, लेफ्ट. राइड, सवारी करना. रोड, राइडन. से, कहना. सेड, सेड. सेंड, भेजना. सेंट, सेंट. स्टील, चुराना. स्टॉल, स्टॉलन. थिंक, सोचना. थॉट, थॉट. वियर, पहनना. वॉर, वॉन. टाई, बांधना. टाइड, टाइड. एग्री, सहमत होना. एग्रीड, एग्रीड. अराइव, आना. आ पहुंचना. अराइव्ड, अराइव्ड. बीट, पीटना. बीट, बीटन. बिगिन, शुरू करना. बिगेन, बिगन. इसी तरीके से आपको हर एक वर्ब का मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और बोल पाएंगे. ड्रिंक, पीना. ड्रैंक, ड्रंक. राइज, उठना. रोज, राइजन. थ्रो, फेंकना. थ्री, थ्रॉन. यूज,
प्रयोग करना, यूज्ड यूज्ड, टीच पढ़ाना, टॉट टॉट, राइट लिखना, रॉट रिटन। इस तरीके से आपको ये तमाम वर्ब्स पता होने चाहिए। आप मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई टॉपिक लर्न करें, याद करें, तो उसे लिख करके ज़रूर देखें, उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आपकी नोटबुक में भी ये तमाम वर्ब्स लिखे होने चाहिए, इनके नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाएं। और इसमें तो हिंदी नहीं लिखी हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप इनकी हिंदी भी लिखें, इनके मीनिंग भी लिखें आप। ओके, अपनी लैंग्वेज में मीनिंग लिखना ज़रूरी है। राइट मीनिंग्स इन योर ओन लैंग्वेजेस, यानी अगर आप हिंदी समझते हैं देन यू राइट द मीनिंग इन हिंदी। इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड यू योर मदर टंग इज़ डिफरेंट, देन यू राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर ओन मदर टंग। एक्सरसाइज, राइट द मिसिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोइंग वर्ब। निम्नलिखित वर्ब्स का मिसिंग फॉर्म आप लिखिएगा, रूट फॉर्म, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर हमें एक भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हमें पता लग जाए किसी भी वर्ड की, किसी वर्ब की, तो हम बाकी दोनों तभी लिख पाएंगे जब हम उन्हें याद कर लेंगे, वो हमें याद होंगी, हमने लर्न किया होगा। सो पैरेट ऑल द फॉर्म्स, सारी फॉर्म्स को बिल्कुल पैरेट कर लो, मगर याद कर लो। ओके, सेकेंड इज कॉट। कॉट दोनों फॉर्म यानी पास्ट टेंस की फॉर्म लिखी हुई है, आपको रूट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल लिखनी है, लेकिन पहले लर्न करने। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब फॉर सच एन इंटरेस्टिंग क्लास टॉपिक्स। आई विल बी विद यू अगेन एंड अगेन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and also comment. If you have any query about this topic, then you can write that comment in the comment box. Thank you very much. I'll be back with you with a new video.